चलिए क्वेश्चन में करस्पॉन्डिंग एल आई दिया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और हमको चेंज करना है, नहीं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो डी वाई है, यहाँ पे डी एक्स है, वहाँ डी एक्स और डी वाई है, चलो कोई दिक्कत नहीं। और क्या रिलेशन है, ये लाइक दिस वन। तो पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन देखो y दिस इक्वल टू एल एक्स टू y दिस इक्वल टू क्या है mx, एंड x दिस इक्वल टू जीरो टू x दिस इक्वल टू कितना है एक ही करस्पॉन्डिंग, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, चलो जो वैल्यू दी हुई है उसके करस्पॉन्डिंग। अब क्या करेंगे, पहला टारगेट हमने क्या बताया था, पहले सिग्निफिकेंट समझना बहुत ज़रूरी है, सिग्निफिकेंट अगर समझ में आ गया तब तो क्वेश्चन आधा हो गया, आधा क्या 90% हो गया, फिर 10% जो भी है डिटरमाइन करना है वो समझ में हो गया। अच्छा वाई दिस इक्वल टू एल एक्स और वाई दिस इक्वल टू एम एक्स में क्या रिलेशन, एम एक्स एम इज ग्रेटर देन, तो इसका मतलब वाई दिस इक्वल टू एम एक्स कहाँ होगा, पहली बात ये वाई दिस इक्वल टू एम एक्स और वाई दिस इक्वल टू एल एक्स, इतना तो कर ही सकते थे प्लॉटिंग, नहीं एल एक्स और एम एक्स और क्या रिलेशन, एम इज ग्रेटर देन इम्प्लिसिट है दैट्स वाई, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट एक्स दिस इक्वल टू जीरो टू एक्स दिस इक्वल टू एक करस्पॉन्डिंग, तो ये प्लॉटिंग कैसे हो जाएगी, एक्स दिस इक्वल टू एक करस्पॉन्डिंग और यहाँ पे एक्स दिस इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ कहाँ पे, दिस वन और दिस वन पे, इसको ए मान लो, क्या हो जाएगा ए और यहाँ पे एल इंटू ए के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे पुट करेंगे तो ए और एम इंटू ए के करस्पॉन्डिंग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पता चल गया। अब बताइए हमारा मोटिव क्या है, दिस वन, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपको पता चल गया, कौन सा रीजन हमको इंटीग्रेट करना है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब देखते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट, देखो y दिस इक्वल टू एल एक्स से y दिस इक्वल टू एम एक्स तक, देखो y दिस इक्वल टू क्या है एल एक्स से कहाँ गए थे, y दिस इक्वल टू एम एक्स यही गए थे ना, देखो y दिस इक्वल टू एल एक्स से y दिस इक्वल टू एम एक्स और x की वैल्यू जीरो से ए के करस्पॉन्डिंग, तो ये एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन हो गया था, ठीक है किस एरिया को इंटीग्रेट कर दिया हमने जो भी वैल्यू आएगी। तो पहली बात तो ये हो गई कि इसका क्या मतलब है फर्स्ट वाले का, अब सेकेंड वाले करस्पॉन्डिंग चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, देखो पहले वाई से इसकी तरफ गए थे अब किधर से जाएंगे, पहले देखो वाई में चेंजेस हुआ था पहले, अब क्या होगा पहले एक्स में चेंजेस होगा फिर वाई में चेंजेस होगा, ठीक है तो ये हटा दें पहले, या तो आप दूसरा बना दो डायग्राम, हम इसको हटाते हैं। अब इसको चेंज होने के लिए देखो यहाँ से y x की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y क्या हो जाएगा y बाई एम, और इसके करस्पॉन्डिंग बात करें इस कर्व के करस्पॉन्डिंग तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी y बाई एल, और यहाँ पे x दिस इक्वल टू a के करस्पॉन्डिंग। अब देखिए हमको इंटीग्रेट करना है भाई, इस एरिया को रीजन ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए, इसी एरिया का तो चाहिए हमको। अब जब आप लिखना चाहेंगे कि चलो जो भी है आई की वैल्यू दिस वन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई माइंड में तो आ गया, चलो तो पहले किसकी वैल्यू एक्स की इन द टर्म्स ऑफ वाई और यहाँ पे वाई की, ठीक है पहली बात क्लियर है भाई जो हमको करना है। अब यहाँ पे समस्या क्या आ गई, दिस वन से दिस वन जाएं कि दिस वन से दिस वन जाएं, नहीं समझ में आ रहा कि नहीं, हमको चाहिए थे एरिया इसका, तो हम क्या करेंगे दो पार्ट में इसको ब्रेक कर देंगे, अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ जाना होता तो दिस वन और फिर चले जाते लास्ट में, मतलब इनिशियल यूनिट ये होती और फाइनल यूनिट ये होती, ठीक है उसी तरीके से अगर ये दोनों होते तो ये यहाँ से यहाँ चले जाते, नहीं लेकिन अब की बार देखो इनिशियल यूनिट तो ये है, इनिशियल लिमिट ये मिल गई लेकिन फाइनल वाली दो चेंजेस कर रही है, तो इसको क्या कर दो पार्ट में ब्रेक कर दो,
तो भी तो अब इस एरिया का इंटीग्रेशन रीजन वन हो गया और रीजन टू। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू वही है वाई बाई एम, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई बाई एल। तो अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, तो ये एक और पार्ट लिख लो, तब इसका मतलब नहीं क्या हो जाएगा, इसको भी एफ ऑफ एक्स वाई डीएक्स डी वाई। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स की लिमिट लिखेंगे और यहाँ पे वाई की। चलिए पहले किधर से किधर जाएंगे, एक्स की लिमिट देखो दिस वन से दिस वन की करस्पॉन्डिंग, नहीं तो यहाँ पे एक्स की लिमिट कितनी है वाई बाई एल, सॉरी पहले यहाँ पे लिखेंगे एक्स की वैल्यू वाई बाई एम से कहाँ तक जा रहा है, एक्स की वैल्यू वाई बाई एल के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगर दिक्कत हो रही है तो दूसरे कलर में लिख दो, क्या हो जाएगा वाई बाई एम और ये वाई बाई एल के करस्पॉन्डिंग। ये तो एक्स की हो गई, अब बात होती है वाई की, वाई की क्या होगी, देखो वाई यहाँ पे कितना है जीरो मिनिमम, और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग क्या है वाई दिस इक्वल टू एल ए, तो वाई हो जाएगा जीरो से लेकर वाई दिस इक्वल टू एल इंटू ए के करस्पॉन्डिंग। देखो कितने ईजी है। फिर दूसरा यहाँ पे आते हैं, तो इस एरिया का इंटीग्रेशन तो हो गया, अब इस एरिया का चाहिए, फिर वही बात इसमें इधर से इधर चलेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है वाई बाई एम वाई बाई एम, फिर इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू कितने है ए, एक्स की वैल्यू ए हो गई। वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अब यहाँ से जीरो से नहीं चलेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक का इंटीग्रेशन हो चुका है इस एरिया का, तो अब यहाँ से रीजन टू यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक, तो वाई दिस इक्वल टू एल ए एल इंटू ए, कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम इसके करस्पॉन्डिंग एम ए के करस्पॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा एम इंटू ए के करस्पॉन्डिंग। तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गए बनेगा। ठीक है, बना लो इसको, तो ये हो गया इस रीजन वन और रीजन टू का सम, ये रीजन वन है और रीजन टू का सम है, और ये बराबर हो जाएगा दिस वन का करस्पॉन्डिंग, तो फाइनल आंसर दिस वन बना लो। ये हमारा क्वेश्चन है लाइक दिस वन का करस्पॉन्डिंग, अब इसको इंटीग्रेट करना है, क्या इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, नेवर, फिलहाल ऐसे दिखा रहा है तो डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है, नहीं निकाल सकते करके देख लो। तो हम क्या करना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि चेंज ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर चेंज कर दें, तो देखें हो सकता है कैलकुलेट हो जाए। देखो कैसे, देखो यहाँ पे ई टू पावर माइनस वाई है और यहाँ पे वाई है, दैट्स वाई, चाहे फर्स्ट इसको मानो चाहे सेकंड मानो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई, पहला टारगेट क्या करो, ये एक्स और ये क्या है वाई। ठीक है, पहला टारगेट कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो वाई की वैल्यू एक्स टू कहाँ तक है, वाई दिस इक्वल टू इन्फिनिटिव यही है, फिर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है जीरो टू, एक्स की वैल्यू क्या है इन्फिनिटिव तक यही है। अब चलिए हमारा मोटिव क्या होगा, किनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ प्लॉट करना, नहीं ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, बहुत सिंपल सा है, फिर इसके बाद इसके मीनिंग समझेंगे, फिर उसके बाद डिटरमाइन करना शुरू कर देंगे, ये एक्स और ये वाई, वाई दिस इक्वल टू एक्स कैसा होगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, वाई दिस इक्वल टू एक्स के करस्पॉन्डिंग, नहीं और टू इनफाइनाइट, तो वाई दिस इक्वल टू एक्स से इनफाइनाइट तक, मतलब कौन सा रीजन, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये वाला रीजन, और एक्स की वैल्यू जीरो टू एक्स दिस इक्वल टू इन्फिनेटिव, एक्स दिस इक्वल टू जीरो से एक्स दिस इक्वल टू इन्फाइनाइट, तो ये भी जा रहा है तो उसी करस्पॉन्डिंग।
ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला जो रीजन आएगा उस रीजन की बात हो रही है। ठीक है, पहली बात तो क्लियर है, इसका सिग्निफिकेंट क्या हुआ। अब हम चेंज करेंगे ऑर्डर को, नहीं अब हम ऑर्डर को क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं ना, तो क्या करेंगे इसके लिए, जब भी ऑर्डर चेंज करो उससे पहले उसका सिग्निफिकेंट समझना बहुत ज़रूरी होता है, दैट्स व्हाई हमने इसको बना दिया। अब तो क्लियर है, अब ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, मतलब जहाँ पे ई टू पावर माइनस वाई डिवाइड बाई वाई है, जहाँ पे डी वाई है वहाँ डी एक्स लिखना चाहते हैं, और जहाँ डी एक्स था तो वहाँ डी वाई, तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू और यहाँ पे वाई। ठीक है, अब क्या लिमिट होगी वही चेक कर, वही बनाना है। देखो हम किधर जाना चाहते हैं, एक्स से। अब इधर देखो क्या बताया था हमने तरीका, ये क्या है डी वाई और ये क्या है डी एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, दिस वन नहीं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है ज़ीरो, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है वाई के। तो पहली बात ये एक्स दिस इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स दिस इक्वल टू वाई तक जाएगा। दूसरा वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है ज़ीरो, और कहाँ तक जाएंगे, वाई दिस इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं, वाई दिस इक्वल टू जीरो से वाई दिस इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इसको कैलकुलेट कर लो, अब तो ईजी हो जाएगा, देखो कैसे, वाई दिस इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस वाई डिवाइड बाई वाई है, इंटीग्रेशन किसका करेंगे डी एक्स का, पहले एक्स की वैल्यू जीरो से एक्स दिस इक्वल टू वाई करस्पॉन्डिंग इंटू डी वाई। देखो क्लियर है, क्यों, क्योंकि डी एक्स के साथ जो वाई वाला टर्म है वो क्या रहेगा, वो तो कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई उसको अलग कर लिया। अब ये वैल्यू कितनी है, वाई आएगी और वाई से वाई कैंसिल, तो फाइनली इंटीग्रेशन वाई दिस इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटिव ई टू पावर माइनस वाई इंटू डी वाई आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस ई टू पावर वाई, ये जीरो से इन्फिनिटिव, वैसे इसकी वैल्यू बनाया रही है, देख लो करके, देखो कैसे माइनस ई टू पावर माइनस इन्फिनिटिव ई टू पावर ज़ीरो। ठीक है, ये तो ज़ीरो है, ये वैल्यू ज़ीरो है और ये वन, और ये माइनस तो माइनस में प्लस, तो प्लस वन आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा वन। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद बना लो इसको। चलिए क्वेश्चन है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, इवेलुएट करना है आई की वैल्यू। अब इसको इवेलुएट करना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं निकाल सकते, कुछ भी कर लो, तो क्या तरीका हो सकता है, ऑर्डर चेंज कर दें, देखते हैं फ़ायदा है कि नहीं। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखो y दिस इक्वल टू e टू पावर x टू, y दिस इक्वल टू e के करस्पॉन्डिंग, और क्या है x की वैल्यू जीरो टू x दिस इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग। चलो पहले प्लॉटिंग करते हैं, ये x और ये क्या है y, x दिस इक्वल टू जीरो पे प्लॉटिंग कैसे होगी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये कर्व ऐसा आएगा, वाई दिस इक्वल टू, ये जो है वाई दिस इक्वल टू ई टू पावर एक्स। ठीक है, एक्स दिस इक्वल टू जीरो पे ये कितना होगा, ई के करस्पॉन्डिंग नहीं वन, तो ये एक्स दिस इक्वल टू जीरो पे, जीरो पे, ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और एक्स दिस इक्वल टू वन पे ये कितना होगा ई, देखो एक्स दिस इक्वल टू वन पे ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ई के करस्पॉन्डिंग ने, तो यहाँ पे वन और ई के करस्पॉन्डिंग नहीं, वाई दिस इक्वल टू ई, देखो ई के पावर एक्स से ई तक, तो ये वाला इंटीग्रेशन, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है, और एक्स दिस इक्वल टू जीरो से वन, तो एक्स दिस इक्वल टू जीरो से वन, दिस वन दिस वन दिस वन, तो हमको
रीजन ऑफ इंटीग्रेशन डिफाइन हो गया कि हमको करना क्या है, कि इस एरिया को हमको एक्चुअली कैलकुलेट करना है, हमारा मोटिव यही है ना। अब ऑर्डर चेंज करने के लिए क्या बताया था पहला तरीका, लिखो पहले जो भी वैल्यू है, वन बाई लॉग वाई, यहाँ पे dx और यहाँ पे dy, अब यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है, पहले ये लिख लेना चाहिए क्योंकि यहीं वैल्यू सब कुछ किया, यहीं गड़बड़ कर दिया, होता है मैक्सिमम। चलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी क्या करेंगे, इनको हटा दो फिर से, या तो चाहो तो अलग से ग्राफ बना लो। अब किधर से किधर जाएंगे, x से किधर की तरफ, पहले हम लोग देखो इसमें y से y में चले थे ना, दिस वन से दिस वन, अब क्या होगा x में जाएंगे, नहीं क्यों, देखो ये वाला है तो दैट्स वाई, x में कहाँ से स्टार्ट होगा, लाइक दिस वन से, x की वैल्यू कितनी यहाँ पे है, ज़ीरो, और देखो इसके करस्पॉन्डिंग, कभी डाउट हो तो पहले dy की तरफ गए थे, अब dx की तरफ जाएंगे, तो दिस वन, यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x दिस इक्वल टू log y करस्पॉन्डिंग, तो x की वैल्यू ज़ीरो और यहाँ पे क्या हो जाएगा log y, ठीक है। अब बताइए y की क्या हो जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, y दिस इक्वल टू वन से कहाँ तक, y दिस इक्वल टू e तक, तो y दिस इक्वल टू वन, वन से लेकर e तक जाएंगे। अब बस कुछ करना नहीं है, इंटीग्रेट कर देना है y दिस इक्वल टू वन से y दिस इक्वल टू e के करस्पॉन्डिंग, देखो dx के करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, वन बाई log y, कॉन्स्टेंट होगा log y बाहर, इंटीग्रेशन x दिस इक्वल टू जीरो से x दिस इक्वल टू log y, ये क्या है dx, ठीक है, और यहाँ पे dy कर दो, क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू x आएगी और x की वैल्यू क्या है log y और माइनस जीरो, तो सिर्फ लॉग वाई होगा, लॉग वाई से लॉग वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिला, वाई दिस इक्वल टू वन से वाई दिस इक्वल टू ई तक सिर्फ डी वाई मिलेगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ई माइनस वन, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, इसकी इसका आंसर जो मिलेगा ई माइनस वन, कैलकुलेट कर लो, बना लो इसको। चलिए क्वेश्चन है, इसको इवेलुएट करना है, ठीक है। अब देखो क्या इसको इवेलुएट किया जा सकता है इजीली, नहीं, नेवर, ई के पावर वाई स्क्वायर, वाई नहीं बल्कि ई के पावर वाई स्क्वायर है, अगर वाई साथ पे होता तो कुछ हो सकता था, एक को टी दूसरे को डी टी टाइप का उस टाइप को मान कर सकते थे थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, तो फिर वही किसका सहारा लेंगे, ऑर्डर ऑफ, चलो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ऑर्डर चेंज कर दें, नहीं ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ये x हो गया और ये y, पहले तो ये देखें x की वैल्यू, देखो यहाँ पे y दिस इक्वल टू रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, पर लिखो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, y की वैल्यू x टू y, y दिस इक्वल टू वन और x की वैल्यू जीरो टू, x की वैल्यू कितनी वन, y दिस इक्वल टू x, पहला टारगेट क्या होगा, प्लॉटिंग करो, ये तो हो गया y दिस इक्वल टू x, टू y दिस इक्वल टू वन, y दिस इक्वल टू वन इधर कहीं आएगा, नहीं y दिस इक्वल टू वन करस्पॉन्डिंग, पहला टारगेट तो हो गया कि ठीक है, तो हमको जो इस कर्व के करस्पॉन्डिंग बात करें तो y दिस इक्वल टू x है, y दिस इक्वल टू वन, तो बेसिकली अगर आप इसको बनाना चाहें तो हम किधर जा रहे थे, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग, अब x दिस इक्वल टू जीरो से कहाँ तक, x दिस इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग, तो x दिस इक्वल टू वन है, ठीक है, यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे यहाँ का पॉइंट क्या हो जाएगा, वन वन, ए जो है हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग हो गया, पहली बात, तो रीजन कौन सा मिल गया, दिस वन दिस वन दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये वाला रीजन एरिया, नहीं अब इसको चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले e टू पावर, सॉरी
वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डी एक्स और यहाँ पे डी वाई, ठीक है। यहाँ पे एक्स की यूनिट लिमिट और यहाँ पे वाई की। चलिए कैसे करेंगे, क्या तरीका बताया था हम। एक्स में जाएंगे किधर से किधर, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एक्स दिस इक्वल टू जीरो, यहाँ से किधर तक, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, नहीं ये डी एक्स और ये डी वाई। तो अब हम इधर से इधर, तो एक्स की वैल्यू जीरो से यहाँ पे एक्स की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, वाई के करस्पॉन्डिंग। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो और यहाँ पे कितनी हो गई वाई, ठीक है। फिर वाई में कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, वाई में कहाँ से जीरो से कहाँ तक, वाई दिस इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग, नहीं वाई दिस इक्वल टू जीरो से वाई दिस इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग, हो गया काम। बस इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, ये इंटीग्रेशन अभी नहीं की, यहाँ पे मिस्टेक कर दें जबरदस्ती। चलो ई टू पावर वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू जीरो से एक्स दिस इक्वल टू वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई और यहाँ पे सॉरी डी एक्स है ना, डी एक्स और यहाँ पे डी वाई। देखो y इसके लिए क्या था, कांस्टेंट है, दैट्स वाई इसको बाहर कर दिया। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा y, अब देखो मिल गया हमको e टू पावर वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई, वाई की वैल्यू जीरो और y दिस इक्वल टू वन, नहीं ऊपर t तो ये क्या है dt, नहीं अगर ये t दिख रहा है तो ये क्या है dt। वाई स्क्वायर को अगर t मान लें तो टू वाई डी वाई दिस इक्वल टू डी टी, मतलब लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0, तो फाइनली लिमिट t की वैल्यू 0 से 1 और e के पावर y को e के पावर t और y इंटू डी, तो ये dt टी बाई हाफ क्या 1 बाई टू ई टी 0 टू 1, तो 1 बाई टू ई माइनस 1 इज़ द फाइनल आंसर। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जब इसको इंटरचेंज कर दिया वाई दिस इक्वल टू 0 से वाई दिस इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग और एक्स दिस इक्वल टू 0 से एक्स दिस इक्वल टू वाई करस्पॉन्डिंग, ई टू पावर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई दिस इक्वल टू कितना आया हाफ e माइनस 1, बना लो इसको। चलिए इवेल्युएट करना है लाइक दिस वन, अब इसको करना है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करस्पॉन्डिंग, ठीक है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। पहले रीजन देखेंगे, रीजन क्या आएगा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। कुल मिला जुला कि हमारा टारगेट क्या है, पहले ग्राफ तो प्लॉट करना ही पड़ेगा। y की वैल्यू 1 से y दिस इक्वल टू e टू पावर x, ठीक है, और x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। पहला टारगेट ग्राफ y दिस इक्वल टू 1 होगा, y दिस इक्वल टू 1 तो यही है, ये x और ये क्या है y, और y दिस इक्वल टू e के पावर x, x दिस इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग ये मिलेगा, मतलब ये कैसे जाएगा, नहीं ये कितना है, ये जो है y दिस इक्वल टू e टू पावर x और x की वैल्यू 0 से 2 तक, मतलब x दिस इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग और यहाँ पे x दिस इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिमिट लिखना है वो, तो 0 1, ठीक है, और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ का पॉइंट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e का स्क्वायर, नहीं इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये 2 और ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1,
ठीक है। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग वाई दिस इक्वल टू वन से वाई दिस इक्वल टू ई के पावर एक्स हम कैसे गए हैं, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और एक्स दिस इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स दिस इक्वल टू, एक्स दिस जीरो से लेकर टू, मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, तो पहले तो हमको पता चल गया फोकस किस पे करना है, क्लियर हो गया कि लाइक दिस वन पे फोकस करना है। अब चेंज करेंगे इसको, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे डी वाई डी एक्स है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एक्स डी वाई, यहाँ पे वाई की, सॉरी ये एक्स की वैल्यू थी और ये वाई की, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू और यहाँ पे वाई, सब कुछ करने के बाद यहीं गड़बड़ी हो जाती है। देखो अब पहले देखो स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, वाई से एक्स की, वाई में फिर इसके बाद एक्स में, अब क्या करेंगे पहले एक्स में फिर वाई में, ठीक है। तो चलो इनको मिटाते हैं, कोशिश करना चाहिए कि एक ग्राफ और बना लो दूसरा समझने के लिए, हम तो एक ही बना देते हैं कोई नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग समझने के लिए बहुत। चलिए अब एक्स में कहाँ से चलेंगे, यहाँ से देखो ये कर्व था ना, यही एरिया ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये एक्स की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, लॉग वाई, कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है टू, तो एक्स की वैल्यू लॉग वाई से लेकर एक्स दिस भी इक्वल टू टू के करस्पॉन्डिंग, नहीं कभी भी कोई दिक्कत हो बना लो लाइक दिस वन, ठीक है। वाई में क्या हो जाएगा, वाई दिस भी इक्वल टू यहाँ पे कितना है वन, और यहाँ पे वाई दिस भी इक्वल टू कितना है ई स्क्वायर, तो वाई दिस भी इक्वल टू वन से ई स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर दो, ये डी एक्स है तो पहले डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स लॉग वाई और ये टू इंटू डी वाई, तो ये हो जाएगा टू माइनस वाई दिस इक्वल टू वन से ई स्क्वायर, ये टू माइनस लॉग वाई इंटू डी वाई करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब इनको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए टू में तो कोई दिक्कत नहीं है, टू डी वाई तो ये मिलेगा ई स्क्वायर माइनस वन, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में आते हैं वन से ई स्क्वायर लॉग वाई डी वाई, ठीक है। बेसिकली हमको इस पे फोकस करना है, तो वन से ई स्क्वायर लॉग वाई डी वाई क्या करेंगे, वन इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इसको और इसको सेकेंड, तो फर्स्ट फर्स्ट का इंटीग्रेशन वाई लॉग वाई, इट इज माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन बाई वाई, तो वाई से वाई कैंसिल डी वाई, ठीक है। क्या मिला, पहले इंटीग्रेट कर लो फिर इसके बाद पुट कर लेंगे वैल्यू, लॉग वाई और ये वाई। चलो अब वैल्यू पुट करना है, तो ये जो इंटीग्रेशन सॉल्व करके आया लाइक दिस वन, अब इसमें इंटीग्रेशन कहाँ तक, वन से ई स्क्वायर, वन से ई स्क्वायर, वन से ई स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे वन से ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ई स्क्वायर लॉग ई, देखो लॉग ई स्क्वायर बेस ई, तो ये टू यहाँ पे जाएगा, तो टू बाहर आ गया, माइनस ई स्क्वायर। अब जब वन पुट करेंगे तो लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो दैट्स वाई ये पूरा जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वन, तो फाइनली टू ई स्क्वायर, ये तो वन हो गया, माइनस ई स्क्वायर प्लस वन, तो ये मिलेगा ई स्क्वायर प्लस वन। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, इसको तो लिख लिया होगा, तो ये मिलेगा टू ई स्क्वायर माइनस टू, और इसकी वैल्यू आ गई किसके करस्पॉन्डिंग, माइनस ई स्क्वायर माइनस वन,
तो ये कितना हो जाएगा ई स्क्वायर और ये -3। एक बार भी चेक जरूर कर लेना आंसर, ठीक है।